तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स क्या होती है? आपको जो ये दिख रहा है यही स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग्स जो होती हैं जीरो से ज़्यादा करेक्टर हो सकती हैं, जीरो या जीरो से ज़्यादा करेक्टर्स जो होते हैं जो कि कोट के अंदर होते हैं। तो ये डबल कोट है, डबल कोट के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रिंग्स है। इसमें जीरो करेक्टर भी हो सकते हैं, मतलब एम्प्टी हो सकता है ये प्लेस, या फिर नंबर ऑफ करेक्टर्स बढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये जो चीज़ होती है जिसको हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखते हैं इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं। और इस स्ट्रिंग को डाला गया है यानी स्टोर किया गया है टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। और यहाँ पर हम सिंगल कोट डबल कोट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोट में डाला गया है और इस स्ट्रिंग वैल्यू को सिंगल कोट में डाला गया है। और ये वेरिएबल नेम है जो कि इन स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक, इसके बाद है कि तरीका वही है, इसमें भी बताया था मैंने कि अगर मान लीजिए आपको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो स्ट्रिंग है और उसके अंदर किसी कोट की ज़रूरत है तो आप सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं डाल सकते। इसकी जगह पर आप सिंगल कोट के अंदर डबल कोट या डबल कोट के अंदर सिंगल कोट डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये जो बाहर कौन से स्ट्रिंग है, आउटर साइड में सिंगल कोट है और अंदर आपको स्ट्रिंग दिख रही है। और स्ट्रिंग के अंदर अगर जॉनी को हमें डबल कोट में डालना है, मतलब हमें किसी कोट में डालना है, तो हम यहाँ पर सिंगल कोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं डाल सकते, लेकिन सिंगल कोट के अंदर डबल कोट डाल सकते हैं और डबल कोट के अंदर सिंगल कोट वाली जो स्ट्रिंग है उसको डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये डाला गया, मतलब ये डबल कोट है तो इसके अंदर हम सिंगल कोट वाली स्ट्रिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर भी इसी टाइप का डबल कोट के अंदर सिंगल कोट डाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है, ये वैलिड है। इसके बाद आता है स्ट्रिंग लेंथ। तो स्ट्रिंग लेंथ का मतलब है हमारी जो ये स्ट्रिंग होती है इसकी लंबाई कैसे पता करते हैं। नंबर ऑफ करेक्टर्स, लेंथ मतलब नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने करेक्टर हैं इस स्ट्रिंग में, इसी को हम पता करते हैं लेंथ प्रॉपर्टी से। तो सिंपली इस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट वेरिएबल में इस स्ट्रिंग को डाला गया तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। लिखने का तरीका वही है, इस टेक्स्ट वेरिएबल को लिखा यहाँ पर डॉट लेंथ, इतने से हमारा इस स्ट्रिंग की लंबाई पता चल जाती है, नंबर ऑफ करेक्टर्स पता चल जाते हैं, कितने करेक्टर हैं 26। तो इसमें वही काम किया गया, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है हमारा और इसमें ये वेरिएबल बनाया गया है। ठीक, लेट कीवर्ड से ये जिसमें स्ट्रिंग की वैल्यू डाली गई है। स्ट्रिंग कैसे है क्योंकि इसको डबल कोट में डाला गया है। उसके बाद जो जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाई आई डी, यानी कि डेमो नाम की आई डी वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करो। तो ये एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट, इसका जो इनर एच टी एम एल है यानी कि ये वाला पोर्सन यहाँ पर क्या रख देना है, इस जगह पर क्या रख देना है, टेक्स्ट डॉट लेंथ, यानी कि इस टेक्स्ट वेरिएबल में जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं उनको इस जगह पर रख दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 26 दिख रहा है, नंबर ऑफ करेक्टर्स इसमें कितने 26। ठीक, इसमें थोड़ा सा आई आई बढ़ा देते हैं तो अब कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ करेक्टर्स, अब हो जाएंगे 27। ठीक, 27। इसके बाद है एस्केप करेक्टर। एस्केप करेक्टर का मतलब यह है कि मान लीजिए जो हमारा ऊपर रूल था कि डबल कोट के अंदर डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम किसी चीज़ को डबल कोट के अंदर डबल कोट डालना चाहते हैं या सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट वाली जो स्ट्रिंग है उसको डालना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें एस्केप करेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। और ये बैक जो बैक स्लैश एस्केप करेक्टर होता है इसी की हम मदद लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको सिंगल जैसे कोट है, ठीक है, सिंगल कोट को आपको वैलिड बनाना है तो उसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मतलब सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट वाली स्ट्रिंग आप डाल रहे हैं तो आपको इस तरीके का नहीं इस्तेमाल करना है बल्कि ऐसे इस्तेमाल करना है, मतलब कोट के पहले आपको बैक स्लैश एस्केप करेक्टर का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से हम डबल कोट के अंदर डबल कोट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डबल कोट इस तरीके से नहीं, अंदर वाला जो डबल कोट है उसको ऐसे नहीं इस्तेमाल करना है, इस तरीके से करना है, उसके पहले मतलब आपको बैक स्लैश लगाना है, बैक स्लैश एस्केप करेक्टर। इसी तरीके से ये भी है, जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या काम किया, ये डबल कोट के अंदर पूरी स्ट्रिंग है, ये इतनी स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के अंदर भी वो डबल कोट का इस्तेमाल करने जा रहा है। ठीक, तो इसका यही तरीका है कि इस स्ट्रिंग, ये जो डबल कोट है इसको हम क्या करें, इसकी जो वैल्यू है इसको इग्नोर करें। तो इग्नोर करने का तरीका क्या है, इसके पहले हम बैक स्लैश लगा देते हैं और आपका कोई एरर नहीं आएगा इसमें। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही आपका डबल कोट के साथ ये हमारी वैल्यू भी आ जाती है। तो ये तरीका होता है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम सिंगल कोट लिखते हैं, ठीक,
यहाँ पे डबल कोट लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये एरर आ गई, एरर आ गई, इसलिए इस कलर का ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसको इसको हम कैसे इसकी जो एरर को दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसके पहले हम बैक स्लैश लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए वापस आ गया सही, तो ये दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से है ये। और ये बाकी भी दिए हुए हैं कि इनका भी प्रयोग होता है जावास्क्रिप्ट में। इसके बाद अगले वीडियो में बात करते हैं।